पत्र सूचना कार्यालय इंदौर द्वारा भारत सरकार के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित मध्य प्रदेश का पहला जन सूचना अभियान दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2014 तक खंडवा में आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ आम जनों तक पहुंचाया गया है। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के किए गए प्रयासों से कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर की ओर से समापन अवसर पर 1068 लाभार्थियों को 75 लाख रुपए से अधिक की लागत के कृत्रिम अंग यंत्र एवं उपकरण वितरित किए गए। खंडवा में आयोजित जन सूचना अभियान के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं एवं संयुक्त सचिव श्री अविनाश के अवस्थी निशक्तता कार्य विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के भी हम आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब, मंत्री पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक किशोर दीक्षित महोदय और मेरे विभाग के संयुक्त सचिव भारत सरकार और जो ये उपकरण आज हम यहाँ बांट रहे हैं, जिस कारखाने में ये बनते हैं एलिमको कानपुर, उसके CMD श्री सलीम साहब, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष और अतिथिगण, उपस्थित आशीर्वाददाताओं, बहनों भाइयों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, पत्रकार साथियों, निश्चित रूप से खंडवा के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। हम इस प्रकार के उत्तर बांटने के आयोजन देश भर में करते हैं, पर मेरे अनुभव जहाँ जहाँ ये उत्तर बांटने का कार्यक्रम किया है उसमें सर्वाधिक संख्या में और सर्वाधिक धनराशि में इस कार्यक्रम का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ जो सूचना विभाग की सहायक निदेशिका है पूजा वर्धन जी, उन्होंने भी मुझसे मिलकर के आग्रह किया कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, हम इस पर एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। प्रचार अभियान की दृष्टि से, जागरूकता अभियान की दृष्टि से तो आप हमको समय देंगे, तालमेल देखा और आज की तारीख तय हो गई और इस कार्यक्रम को देख करके हमको ऐसा लगता है कि विकलांगों में भी बहुत प्रतिभाएं हैं। प्रतिभा का प्रदर्शन करने की अवसर देने की आवश्यकता है, अगर उनको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वो ये दिखाते हैं कि वो सशक्त लोगों से किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। मेले तो हमने बहुत ज़्यादा आयोजित किए, परंतु सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे ज़्यादा धनराशि का जो वितरण हुआ है उपकरणों में, उसमें तीसरा स्थान है। जन सूचना अभियान के माध्यम से हमने इस क्षेत्र के वासियों को ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये योजनाएं चला रही है और भारत की सरकार ये योजनाएं चला रही है। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जब जिसकी संख्या लगभग 125 है,
जन्म से लेकर के मृत्यु उपरांत कई साल तक और हर वर्ग के व्यक्तियों को और हर परिवार को किसी न किसी योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का जो अभियान चल रहा है उसकी जानकारी क्षेत्रवासियों को देना और उसके साथ ही साथ भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचे। और नहीं तो कई बार आप और हम सब ये महसूस करते हैं कि साहब ये योजना है वो योजना है, परंतु इसकी तो जानकारी नहीं लोगों को। कुछ लोगों को जानकारी है, वही उसका लाभ ले लेते हैं, वो अपने अपने वालों को दिला देते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ज़्यादातर लोगों को मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले और वो उसका लाभ ले सके, इस कारण से ये जन सूचना अभियान की दृष्टि से 3 दिवसीय कार्यक्रम था। हमने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विकलांग वर्ग के लोगों को उपकरण बांटने का भी काम किया। एक पंथ दो काज करके हमने क्षेत्रवासियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डिसेबिलिटी कार्य विभाग की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले PIB की ओर से यह अनुरोध किया कि खंडवा में माननीय मंत्री जी का यह पहला कार्यक्रम जो PIB का इस प्रदेश में हो रहा है उसमें आपकी अध्यक्षता निर्धारित हुई। उसी दिन माननीय मंत्री जी ने दूरभाष पर हमें खबर दी कि अगर खंडवा में जा रहा हूं तो विकलांगों के लिए मैं कार्य जरूर करूंगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों तथा जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय जन सूचना अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा अन्य योजनाओं की जानकारी वक्ताओं के माध्यम से दी गई है। हमने प्रयास किया है कि इस मेले द्वारा जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया जा सके तथा आम जनों से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सके। जन सूचना अभियान का उद्घाटन माननीय सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा द्वारा किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जन सूचना मेले के मंच से सांसद महोदय ने खंडवा के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित गांव को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आदर्श ग्राम कैसा होगा इसकी रूपरेखा भी जन सूचना अभियान के माध्यम से प्रस्तुत की। इस देश में देश की जनता के लिए सरकारें क्या क्या कर रही है इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये करता है, लेकिन हमको ये देखने में आया कि बहुत सी चीजों की व्यापक जानकारी नीचे तक नहीं पहुंचती। इसलिए ये जन सूचना अभियान इसको एक मिशन के तौर पर चलाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया और उसके तहत यहाँ पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब समय कम है, तेजी से हमको आगे बढ़ना है और दुनिया के चुनौतियों में हमको भारत को शक्तिशाली भारत बनाना है। शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है वो दिखने में चीजें छोटी हो लेकिन उसका हमारे समाज जीवन में हमारे राष्ट्र जीवन में बड़ा महत्व है। इसको प्रधानमंत्री जी ने बड़े बारीकी से देखकर और ऐसे योजनाओं का शुभारंभ हिंदुस्तान में किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिए गए मंत्र साथ चले मिलकर चले एक दिशा एक गति एक मति के साथ आगे बढ़े को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस मेले के आयोजन हेतु साथ आकर एक अनूठी पहल की है। इस कार्यक्रम के तहत खंडवा तथा आसपास के अंचलों को सूचना शिक्षा एवं मनोरंजन का लाभ एक साथ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। जन सूचना अभियान में महिलाओं तथा युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मेरे सपनों का भारत जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। मेला प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता स
सर्वश्रेष्ठ स्टॉल जैसी अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें ये जानने का अवसर मिला है कि जिले के बच्चे स्वच्छता के प्रति सजग हैं तथा स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए अग्रसर हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं तथा बच्चों के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति से हमने ये भी जाना है कि उनके सपनों का भारत समृद्ध, खुशहाल तथा हर एक क्षेत्र में विकसित राष्ट्र है। पत्र सूचना कार्यालय इंदौर द्वारा इस जन सूचना मेले में 50 से अधिक स्टॉलों पर लगाई गई प्रदर्शनियों के माध्यम से देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में भारत सरकार के प्रथम 100 दिनों की झलक देखने को मिली है। जिला प्रशासन, मीडिया, जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों के सहयोग से हम इस आयोजन को एक सफल आयोजन बना सके हैं। जन सूचना अभियान अपना संदेश न केवल खंडवा जिला बल्कि मध्य प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में सफल रहा है।